ये है आज की बड़ी अपडेट। यहाँ पे न्यूज निकल के आ रही है कि दुनिया को परमाणु संकट में ढकेलेगा चाइना। ताइवान के मुद्दे पर जापान को दी एटम बम से हमला करने की धमकी। जी हाँ दोस्तों, बता दें दुनिया को कोरोना महामारी में ढकेलने वाला चाइना परमाणु हमले की कहानी भी रच सकता है। दोस्तों चीन ने ताइवान के मुद्दे को लेकर जापान पर परमाणु हमले की धमकी दी है। दोस्तों चीन के कम्युनिस्ट पार्टी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें ये कहा गया कि अगर जापान ताइवान की मदद करने की गलती करता है तो उस पर परमाणु बम से हमला किया जाएगा। वैसे तो बीजिंग ताइवान के मुद्दे पर हमेशा से आक्रमण रहता है, लेकिन इस तरह परमाणु हमले की धमकी शायद पहली बार सामने आई है। वीडियो में कहा गया है कि हम सबसे पहले परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे, हम लगातार परमाणु बम का इस्तेमाल करते रहेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक जापान बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण न कर दे। दोस्तों वाकई में ये जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। इसमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि चाइना सीधी तरह से जापान को चैलेंज कर रहा है कि अगर वो ताइवान की मदद करता है तो चाइना जापान के ऊपर एटम बम से हमला भी कर सकता है। दोस्तों ये बात तो सही है कि इस वीडियो को बाद में डिलीट भी कर दिया गया है, लेकिन ट्विटर और यूट्यूब में इसके कॉपी भी अपलोड हो चुके हैं। दोस्तों मेरे हिसाब से किसी भी देश को ऐसी धमकी देना ये काफ़ी ज़्यादा खराब बात है और चाइना ने ये बड़ी गलती कर दी है। दोस्तों आपको न्यूज़ के ऊपर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप ऐसे न्यूज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।